بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير। अल्लाह सुबहाना ताला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुबहाना ताला ही जिसे चाहे जिल्लत देते हैं और वही हर चीज पर कादिर हैं। आशिकाने पाकिस्तान और टेलीविजन की दुनिया के दोस्तों, ये वा टीवी ह्यूस्टन टेक्सस से आपका खादिम पाकिस्तान और गुलाम गुलामान रसूल जान शाइक अपने रेगुलर प्रोग्राम हालात हाजरा को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। नाजरीन, आज हमारा जो गुफ्तगू होगी या हमारा जो प्रोग्राम होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज हम करेंगे बादशाह सलामत, बादशाहों के बादशाह। बादशाह है कौन? इससे जरा बात चली तो जरा बादशाहत के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको बताएं कि अमेरिका के सदर ओबामा, वो आपको जानते होंगे कि वो हिंदुस्तान गए थे, और जब वो हिंदुस्तान जा रहे थे तो एवरीबॉडी वांटेड ओबामा टू स्टॉप इन पाकिस्तान। सिर्फ ये रह गया था कि पाकिस्तान ने उनके सर पांव पे अपना सर नहीं रखा, बाकी सब कुछ कर लिया, मगर ओबामा पाकिस्तान नहीं आए। उस दौरान में इफ यू रिकॉल द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया पास्ड अवे एंड ओबामा डिसाइडेड टू स्टॉप इन सऊदी अरेबिया। ओबामा सब सऊदी अरेबिया पहुंचे। ये मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान रुके नहीं, शायद उनको दहशतगर्दी का खतरा था, लेकिन जिस मुल्क ने उनका इतना साथ दिया हो, सुपर पावर से उन्हें सोल सुपर पावर बनाया हो, उसको बाईपास करके वो सऊदी अरब चले गए। हाँ, अगर ये होता कि मैं पाकिस्तान रुकूंगा और ये सिचुएशन जो सऊदी किंग की हुई थी और ये बीच में हो जाती और ओबामा पाकिस्तान ना रुकते, तो दैट वुड अंडरस्टैंडेबल कि एक इमरजेंसी आ गई, प्रेसिडेंट को जाना पड़ा। आप जानते होंगे कि हमारे मुल्क के साबका सदर जनाब मुशर्रफ साहब ने भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट की दी कि मैं सफर करना चाहता हूं, मैं उनके बादशाह की अफसोस के लिए उनके मुल्क जाना चाहता हूं। तो कुछ दिन इंतजार के बाद वजारत दाखिला नहीं है, जो भी वजारत थी उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने रॉन्ग पर्सन को कांटेक्ट किया, अदालत को कांटेक्ट करें, ना जाने देने का एक बहाना था। ये बहाने तो चलते रहते हैं। तो नाजरीन, बात चली ओबामा से, बराक ओबामा, अमेरिकन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। नाउ बिफोर आई से एनीथिंग, लेट्स सी हाउ अमेरिका फ्रॉम सुपर पावर टू सोल सुपर पावर, हाउ अमेरिका बिकम दैट। United States set it up an organization called Taliban ne, jinhe aap mujahideen bhi kehte hain, unko America ne set up kiya. American paid for their training, American paid for ammunition, and also American set it up Al-Qaeda ke logon ko training di, sab kuch kiya Russia ke sath ladne ke liye, so they want to fight Russia. With the help of Pakistan and mujahideen, which are presently known as Taliban, United States became from superpower to a sole superpower. और उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या दोस्ती का हक अदा किया यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को, जिसने उसको सुपर पावर से सोल सुपर पावर बनाया, उस मुल्क को उन्होंने दहशतगर्द कौम करार दे दिया, दहशतगर्द मुल्क। फिर जब उन्हें हमारी जरूरत पड़ी, तालिबान ने टेक ओवर किया और उन्होंने अफगानिस्तान में आना था, तो फिर वही दहशतगर्द फिर से दोस्त बन गए। फिर से हमारे तो, मुझे तो यूं लगता है कि हमारे उनके साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन है। जब जरूरत पड़ी डेट मारनी हुई, डेट के लिए बुला लिया, और जब डेट नहीं मारनी तो चल भाग तू कौन मैं कौन। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। अभी हम बात कर रहे थे ओबामा का विजिट ऑफ इंडिया। इंडिया के विजिट के बाद प्रेसिडेंट ओबामा साहब जब सऊदी अरब पहुंचे तो हवाई अड्डे पर उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया, उनको गॉड ऑनर दिया गया। ये एक कंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जब, और तो और मैं इससे पहले के कुछ और कहूं, सऊदी अरब के बादशाह को जब दफनाया गया, आप जानते हैं कि बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, कुछ भी हो, जाना उसने उस मट्टी में है, उसी तरह से दफनाया जाता है जैसे किसी बादशाह को दफनाया जाता है, उसी तरह से एक फकीर को जमीन खोदकर। यह अलग बात है कि आपको एक कॉफन में रखा गया है या आपको सिर्फ एक कपड़े में लपेटकर उसमें उतार दिया गया है बगैर कॉफन के, ये एक अलग बात है।
जब सऊदी अरब के बादशाह को उनकी तदफीन हुई, जब उनको दफनाया गया, तो सिंपल तदफीन को देखकर 50 चाइनीज जो वहां मौजूद थे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्म लबैक, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अजीब बात है ना कि एक बादशाह इस दुनिया से गया और उस बादशाह को जिस तरह से उसकी बादशाहत खत्म हुई और उसे जमीन में दफनाया गया, उसको दफनाते हुए देखकर कि मुसलमानों में कितना सिंपल तरीका कार है। अब क्या करते, बादशाह को तोपों की सलामी देते कि तुम जा रहे हो, तुम्हें तोपों की सलामी देते हैं, मुर्दा को क्या पता है। लेकिन इस्लाम का एक तरीका कार है, उसको देखकर 50 चाइनीज सऊदी अरेबिया में मुसलमान हो गए। अब ओबामा साहब वहां आए, उनके बाद आप जानते हैं कि दूसरे बादशाह ने फौरन ही हल्फ ले लिया और वो बादशाह बन गया। जब दूसरे बादशाह आए तो सुपर पावर, द सोल सुपर पावर प्रेसिडेंट अराइव्ड इन सऊदी अरेबिया एंड उन्होंने शेकन किया, द प्रेसिडेंट ओबामा वाज मीटिंग द पीपल एंड क्या हुआ, एक आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान की आवाज, नाजरीन अजान की आवाज। जब अजान की आवाज आती है तो असल बादशाह, जिसकी असल बादशाहत है, वो आपको अपनी तरफ बुला लेता। उस असल बादशाह ने जब अपनी तरफ बुलाया और ओबामा साहब जिनके साथ एक सेकंड गुजारने के लिए, एक मिनट गुजारने के लिए लोग तड़पते हैं और कई फिर भी नहीं गुजार सकते, जो उनको मिलने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ तस्वीर उतारने के लिए, मुसीबत में पड़ने के बावजूद भी, मिन्ते डालने के बावजूद की, बे इंतहा पैसा खर्चने के बावजूद भी नहीं कर पाते। जब उस कादर मुतलब से आवाज आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अजान की आवाज गूंजी, तो सऊदी अरब के बादशाह, उनकी तमाम कैबिनेट, तमाम सिपाही दरबार इलाही में, असल बादशाह के दरबार में हाजिर होने के लिए निकल पड़े। अब प्रेसिडेंट ओबामा, उनकी बेगम वहां पागलों की थड़ा खड़े हैं, उन्हें किसी कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, वो तीन लोग वहां खड़े हैं, वो और एक और के साथ गोरा, वो वहां खड़े हैं क्योंकि असली बादशाह ना तो ओबामा था और ना ही सऊदी अरब का बादशाह, असली बादशाह तो वो रब्बुल इज्जत है, कादर मुतलिक है, जो मालिक है इस दुनिया के। तुम्हारी बादशाहत की क्या वक्त है, तुम्हारी सुपर पावर की क्या वक्त है, असल सुपर पावर तो वो है जो हिलाई नहीं जा सकती। नाज़रीन तो ये बड़े हैरान हुए, ओबामा साहब बड़े हैरान हुए कि मुझे यूं छोड़कर ये कहां निकल गए, कहां चले गए। He was shocked, ओबामा was shocked कि people want to shake hand with me, country is a dying for the prime minister, the president of the country to visit with me and they will do anything for me to stop in their country to visit with them. Here I am in Saudi Arabia and azan came and everybody left. And Obama and his wife and other guy standing like two chaos idiots. बड़े हर किसी से सवाल करते, कहाँ गए ये, क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि अजान की आवाज आई है, ये सब लोग नमाज पढ़ने गए। ओबामा साहब को जानना चाहिए था क्योंकि वो इंडोनेशिया में रह चुके थे, पाकिस्तान भी जा चुके थे, भारत भी जा चुके थे, उन्हें पता होना चाहिए था कि मुसलमानों का असल बादशाह कोई भी हो, यहूदियों का असल बादशाह, ईसाइयों का असल बादशाह, कोई भी मजहब ले लें, असल बादशाह तो रब्बुल इज्जत है, उसके अलावा किसी की बादशाहत नहीं है, उसी की बादशाहत है, वही कादर मुतलिक है। यहां पर फिर सारी बात खत्म नहीं होती नाजरीन, बात थोड़ी सी आगे भी चलती है। अमेरिका में जब मर्द और औरतें मिलती हैं तो हाथ मिलाते हैं, ये एक सिस्टम है, यहां पर भी दूसरे मुल्कों में भी हम हाथ मिलाते हैं। तो मिशेल ओबामा, द फर्स्ट लेडी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वांटेड टू शेक हैंड विद सऊदीज, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। जरा अंदाजा लगाएं, जब कोई आपकी तरफ हाथ बढ़ाए और आप हाथ ना मिलाएं और हाथ पीछे कर लें, तो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म आती है उससे। अब मिशेल ओबामा का क्या हाल हुआ होगा जब उन लोगों ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। ये चीजें तो उन्हें पता होनी चाहिए थी कि ये इस्लामिक कल्चर है, वो होंगी फर्स्ट लेडी, वो फर्स्ट लेडी तो अमेरिका की है ना, शी इज नॉट अ फर्स्ट लेडी ऑफ इस्लाम, शी इज द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका। इन इस्लाम देयर इज नॉट फर्स्ट लेडी एंड फर्स्ट मैन एंड बादशाह, दिस इस्लाम इज अ वेरी सिंपल रिलीजन बाय फॉलोइंग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। याद रखिए नाज़रीन एक बात, इन दीना इंदल्लाहुल इस्लाम, इस्लाम ही अल्लाह का दीन है, बाकी सब बेकार है।
तो मिशेल ओबामा की कितनी इंसल्ट हुई होगी ये देखकर कि उनसे किसी ने हाथ नहीं मिलाया। ओबामा ने क्या सोचा होगा उस वक्त कि मैं सोल सुपर पावर, एक अजान की आवाज आई और मुझे छोड़ के सभी चल पड़े। नाजरीन, यहां ओबामा की हकीकत ही क्या है? उस शहनशाह के सामने, उस कादर मुतलक के सामने असल बादशाह तो उसकी है, उसी की तरफ हमने लौटना है। इससे हमने सीखा क्या है? इससे कुछ सीखना चाहिए। सऊदी के बारे में हम कुछ भी कहते रहे, बहुत करप्ट हैं, बहुत बुरे हैं, 200 बीवियां हैं, 400, 2000, 5500 बच्चे हैं, बेपना पैसा बर्बाद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है वहां पर कि उन्होंने ओबामा के सामने जाकर यह साबित कर दिया कि उनकी बादशाह नहीं, बादशाह तो अल्लाह ताला की है, उसके दरबार में हम जा रहे हैं। और यहां पर एक और है, एक और शख्सियत भी है जो अल्लाह के सामने हमें मुनकर इस्लाम बना देती है, जो अल्लाह के सामने हमें नाफरमा बरतार बना देती है, जो अल्लाह के सामने हमें इंतहा से ज्यादा गलीज और गंदा कर देती है, वो क्या शख्सियत है? उस शख्सियत का नाम है शैतान। शैतान हमें नमाज से रोकता है। शैतान की कोशिश होती है कि हम दरबार इलाही में हाजिर ना हों और खुदा के हजूर सजदा ना करें, जैसे तमाम बादशाहों ने, सऊदी अरब के तमाम शहजादों ने अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर सजदा हो गए अल्लाह के दरबार में। और ओबामा हैरान रह गया कि ये सजदा तो इन्हें मुझे करना चाहिए था, ये उसको सजदा करने चल पड़े। अरे तेरी हकीकत क्या है रे? हमारा बादशाह तो वो है कादर मुतलिक, वो है मालिक हमारी जिंदगी का। तो शैतान का इतना कंट्रोल है। सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, व्हाट शैतान इज डूइंग टू अस एज ए मुस्लिम, जस्ट थिंक अबाउट इट। शैतान ने हमारे मुल्कों को कंट्रोल किया हुआ है। शैतान आपसे करप्शन करवाता है। PIA को आपने बर्बाद कर दिया, करप्ट ब्रेन पाकिस्तान का। अब वो PIA जो कभी अरबों रुपए का मुनाफा लाती थी, अब खसारे में जा रही है। क्यों? शैतानी काम जो हम लोग करते हैं, शैतान हमारे अंदर समा चुका है। अगर उस शैतान को हम अपने अंदर से निकालें और ये रिश्वत खोरी, ये गीबत, ये सब कुछ हम छोड़ दें और उस बादशाह के सामने हाजिर हो जाएं जो कादर मुतलिक मेरी और आपकी और सबकी जान का मालिक है, तो फिर क्या होगा नाजरीन? फिर बस यही होगा, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, नाम उसी का लिया करो। क्या बताऊं आपको, ये जब मैंने देखा टेलीविजन पे तो मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए नहीं कि मैं एक मुसलमान हूं, इसलिए कि सऊदियों को हम बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मसाल कायम की ओबामा से हटकर नमाज की तरफ जाके, जिस तरह से वो गए हैं कि वो देखता रह गया कि ये क्या हुआ। मैं बराक ओबामा एंड दे लेफ्ट मी स्टैंडिंग हियर एंड वेंट टू प्रे टू अल्लाह, ऑफ कोर्स अल्लाह इज द ओनली वन। नाज़रीन, इससे हम ये कहेंगे अगर मुसलमान राह रास्त पर आ जाएं तो जो सऊदियों ने ओबामा के सामने किया वो भारत के सामने भी करें और दूसरे मुल्कों में भी करें, तो शायद फलस्तीन और कश्मीर आज़ाद हो जाए। बहुत ज़रूरी है आज ज़रा सोचें कि पिछले 60+ ईयर से फलस्तीन और कश्मीर का क्या हाल है। बेगुनाह लोग रोज मार दिए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सो काल जमहूरियत भारत जब जी चाहता है जिस मुसलमान औरत को चाहता है कश्मीर में रेप कर देता है, गिरफ्तार कर लेता है। देयर नो लॉ एंड ऑर्डर इन इंडिया एज फॉर द मुस्लिम्स आर कंसर्न इन कश्मीर। थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम सेइंग। हमें अल्लाह के बनाए हुए कानून और अल्लाह के बनाए हुए रास्ते पर चलना है और इसे एक सबक सीखना है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितनी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, असल सुपर पावर तो मेरे रब्बुल इज्जत हैं। उसी से हमें मांगना चाहिए, उन्हीं के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, उन्हीं के सामने हाथ फैलाना चाहिए। इनसे मांगने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना कभी पहले मिला है ना आज मिलेगा। कोई अल्फाज सख्त इस्तेमाल किए हों या किसी की दिल आजारी की हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। चलता हूँ, फिर हाजिर होऊंगा किसी और इशू के साथ, कुछ और बातें लेकर।
उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा हो। पाइंदाबाद।